ये बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा। उसके लिए जो भी सब्जियां लेना हो, ये है आलू, गाजर, बीन्स और ये बीट है, फूल गोभी, मटर। इन सभी को बारीक बारीक कद्दूकस कर लेंगे। आलू को एक बर्तन में पानी ले लीजिए और इसमें कद्दूकस कीजिए। इसको साइड में रख दीजिए। यह है बीट और बीट थोड़ा सा ही डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। और ये मटर ऐसे ही रहेगा। और ये बीन्स को बारीक बारीक काट लीजिए। और ये है आलू। अब ये है थोड़ा सा हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और प्याज।
डालिए इसमें नमक, हल्दी पाउडर और ये है अपनी सब्जी मसाला। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और ये है कसूरी मेथी और ये है हरा धनिया। अब इसको ढक के पकाइए। यह है थोड़ा सा लहसुन और एक सूखी लाल मिर्च, इसको पीस लीजिए। एक बर्तन में लीजिए बेसन, ये है चावल का आटा, थोड़ा सा लीजिए चावल का आटा। अब इसमें डालिए नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये हरा धनिया और ये पिसा हुआ लहसुन और सूखी लाल मिर्च को डालिए।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये पक गया है, इसको हटा लीजिए। अब लीजिए एक प्लास्टिक और ये है ब्रेड। ये लीजिए ब्रेड का पीस और इसमें लगाइए पानी। इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और डुबाइए पूरा बेसन में। इसी तरह से सभी बना लीजिए जितना ही बनाना है।
इसी तरह से बना लीजिए। और अगर प्लास्टिक में दिक्कत हो रहा है बनाने में तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ब्रेड को लीजिए ऐसे, और इसमें हल्का सा पानी लगाइए। एक चम्मच मसाला डालिए और इस तरह से इसको दबा लीजिए। अगर ब्रेड कम भीगा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए। ब्रेड लीजिए और इस तरह से इसको हल्का हल्का भिंगा लीजिए। इसी तरह से सभी ब्रेड पकौड़ा बना लीजिए।